अभी हमारे साथ में मुकेश हैं जो कि अपना शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट और रील्स पे अपनी क्लास लेना लेने वाले हैं, तो मैं नैन्सी से चाहूँगा कि वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं एक बार। मुकेश कुमार एक कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर बहुजनों से जुड़े मामलों पर कंटेंट बनाते हैं। खासकर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में मुकेश की खास मराहत है और उनके रील्स को इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सराहा जाता है। यूपीएससी की चाहत रखने वाले मुकेश मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। आज मुकेश हमें सिखाएंगे कि नए जमाने के साथ कदमताल करते हुए शानदार शॉर्ट वीडियोस और रील्स कैसे बनाएं। प्लीज कम। तो बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सबसे पहले तो सुमित भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने ये यूट्यूबर्स मीट रखा और हम सभी को यहाँ एक साथ आने का मौका दिया। तो एक बार सुमित भाई के लिए तालियां हो जाए कि वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बनकर हम सबको साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। मेरा नाम मुकेश मोहन है और मैं राजस्थान से आता हूँ और 12 मार्च 2022 में मैंने सीरियस होकर ये काम शुरू किया था। उसके बाद कुछ वक्त मैं दिल्ली में रहा, उसके बाद मैं राजस्थान से ही काम कर रहा हूँ। तो आजकल मैं शॉर्ट पे काम कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो जो है, अभी जैसे सुमित भाई कह रहे थे कि वो बुज़ुर्ग हैं, तो उस फील्ड में मैं काफ़ी, मेरी ठीक ठाक रीच है और खूब सारे लोग मुझे देखते हैं। तो इस यात्रा के दौरान मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, वो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू गाइस। तो शुरू करते हैं। जैसे एक वीडियो जो होता है आपका, एक मैं कह सकता हूँ गुलदस्ता होता है, अलग अलग जिसमें फूल होते हैं, गुलदस्ता ऐसा कि जिसमें आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बेहतरीन आपकी एडिटिंग स्टाइल्स होनी चाहिए और बेहतरीन आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको एक मिनट में जानकारी देनी है और आज के लोगों का अटेंशन स्पान जो है वो कम होता जा रहा है, तो एक मिनट में अगर आपको जानकारी देनी है तो स्क्रिप्ट, एडिटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सब बेहतरीन तरीके से जितना आप करोगे तभी आपका वीडियो देखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सभी फील्ड में जो मैं नाम ले रहा हूँ, एडिटिंग, स्क्रिप्ट और इन सब में मैं ठीक कर रहा हूँ, इसीलिए लोगों द्वारा देखा जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं रिसर्च से कि भाई आप वीडियो कर रहे हैं तो किस तरीके से वीडियो की रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली हम किसी भी वीडियो को करने से पहले वीडियो को हम चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं, कि वीडियो की कैटेगरी को चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली होगी, आप जैसे कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे शून्यवाद की खोज जो है किसने की, इस तरीके के टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, या फिर चाणक्य रियल फिगर है या फिर फेक है, या फिर इसी तरीके से फर्जी तरीके से खड़ा किया गया है, इस तरीके के टॉपिक हो गए। दूसरे हैं पॉलिटिकल टॉपिक, जैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लगातार बोलता रहता हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट लगातार बोलता रहता हूँ, तो इस तरीके के टॉपिक हो गए जो पॉलिटिक्स से संबंधित टॉपिक है। तीसरा हो गया करंट इवेंट से संबंधित टॉपिक, जैसे करंट इवेंट, जैसे स्पोर्ट्स के प्लेयर जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर आपने कोई बढ़िया सा वीडियो बना दिया, सीमा सचिन का कोई जो विवाद है उस पर वीडियो बना दिया आप अपनी रीच बढ़ाने के लिए, ठीक है। और चौथा टाइप हो गया अपने अम्बेडकराइट मूवमेंट से संबंधित कोई वीडियो हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे अभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बोल के गए हैं, कंटेंट की कमी नहीं है, तो वो एक टाइप हो गया। तो इन सभी टाइप्स में से आपको ऐसे शुरू नहीं करना है कि एक ही तरीके के आप वीडियो बनाते चले गए। इससे होगा ये कि आप पर एक छाप लग जाएगी कि ये इसी हिसाब का वीडियो बनाता है और आपके पास जो स्पॉन्सर्स आने जो है वो बंद हो जाएंगे। तो पहली बात ये, जब आप रिसर्च करो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैंने पिछला वीडियो कौन सा किया, उस हिसाब से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप गूगल की हेल्प से, ट्विटर की हेल्प से, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस हिसाब से लोगों को आप जानकारी देना चाहते हैं वो दें। आपको इवेंट्स देख लेनी है, ठीक ठाक पढ़ लेना चाहिए पहले, जो भी आप कुछ भी वीडियो बनाएं उससे पहले चीज़ों को पढ़ लें, अच्छी तरीके से जान लें, विचार लें, फिर वीडियो करें, क्योंकि
आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं कि इंडिया में बोलने का मतलब है यूनिवर्सिटी की अंतिम कक्षा में पढ़ाने वाला प्रोफेसर। तो अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो सोच समझ कर, अच्छी तरीके से सोच विचार कर बोलें। तो इस तरीके से होगी आपकी रिसर्च। रिसर्च करने के बाद अब आती है स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, आपने मतलब तथ्य जुटा लिए, तथ्य जुटाने के बाद अब उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए एक स्क्रिप्ट। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। जैसे अभी मैंने कल परसों एक वीडियो किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को, अभी लक्ष्मण यादव सर को पता नहीं बुरा लग जाएगा कि मैंने उनको बेवफा महबूब बोल दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेवफा महबूब है। इस वाली लाइन से मैंने शुरू किया। ये जो लाइन होती है, देखो यूट्यूब पे तो थंबनेल देख के लोग आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं लोग जो आपकी शुरुआत की जो 10-12 सेकंड है, 15 सेकंड है, वो कितनी कैची है उन लाइंस को देखकर। कई बार आपको थोड़ा सा भाषा का जो बैरियर है वो थोड़ा सा मतलब उसमें लिमिट आप पुश कर सकते हैं, उतनी भी नहीं कि आप गाली वाली दे के उस हिसाब से करें, तो थोड़ा सा उस हिसाब से आपको शुरुआत में आपको मेंटेन करना होता है। तो मैंने उस वीडियो की शुरुआत की थी, मैं एक बार मोहित वो वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में, पर्टिकुलर शॉर्ट के फील्ड में आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से वाइड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी दिस एग्जांपल। 150 करोड़ भारतीयों के ऐसे महबूब है जो शादी से पहले 1000 वादे करता है लेकिन शादी के बाद मुकर जाता है। कैसे? पहले ये वीडियो देखो। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। अब दो खबरें बताता हूँ। पहली, सरकार ने जनवरी में कहा कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है, इसलिए जनता को इसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा, एक होता है इलेक्टोरल बॉन्ड गुप्तदान। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो वे SBI बैंक से उस पार्टी का बॉन्ड खरीदकर पार्टी को दे सकते हैं, पार्टी बैंक से उस बॉन्ड को रोकड़ा करवा लेगी। ठीक, अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और कौन पार्टी को दे रहा है ये जनता को जानने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2018 से 22 तक खरीदे गए 9208 करोड़ के बॉन्ड्स में से 5270 करोड़ यानी 57% चंदा बीजेपी को गया। तो ये आपने वीडियो देखा, मैंने शुरुआत में कहा था कि राइटिंग स्क्रिप्ट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। मैंने शुरुआत में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 करोड़ भारतीयों के बेवफा महबूब है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब इसको मैं सही साबित करने के लिए इसके सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने 2017 में उन्होंने जो ये बात कही कि पाई पाई का हिसाब जानने का हक है, वो वाला मैंने वीडियो लगाया। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी जानकारी सरकार जो है देगी नहीं किसी को कि हमें कौन पैसे दे रहा है, कौन गुप्तदान दे रहा है। दूसरी यह है, दूसरी जानकारी मैंने दी पीएम केयर फंड, वो उन्होंने नाम तो पीएम केयर फंड रखा लेकिन फिर वो गुप्तदान कर दिया, का बताएंगे नहीं किसी को चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से मैंने जो शुरुआत में आर्ग्यूमेंट दिया था उसके फेवर में, उसको फेवर करने के लिए दो आर्ग्यूमेंट दिए। ठीक है, तो पंच लाइन से शुरू किया मैंने वीडियो कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से हैं और उसको फेवर करने के लिए मैंने बॉडी में, मतलब जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हो UPSC की तैयारी के दौरान सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, तो बॉडी में मैंने मेरे दो आर्ग्यूमेंट दिए। तीसरा मैंने आर्ग्यूमेंट फिर कहा क्यों, मतलब इस तरीके से वो क्यों कर रहे हैं, एक और मैंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। तो मतलब अब जो देखने वाला उसको जानकारी मिल रही है ना, उसको पता नहीं है लेकिन मैं क्यों सवाल एक खड़ा करके उसको अगली जानकारी देने के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो 2018 से लेकर 22 तक 9200 करोड़ का जो चुनावी चंदा दिया गया है, बॉन्ड्स खरीदे गए हैं SBI से, वो उसमें से 5270 करोड़ रुपए जो है बीजेपी, ये हो गई एक पंच लाइन लास्ट में कि मतलब बीजेपी जो है इस तरीके से चीज़ों को करके खराब अपने पक्ष में चीज़ें ले रही है, एक एक इस तरीका का वीडियो हो गया। और दूसरे वीडियो में आप लास्ट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जैसे किसी भी तरीके से थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा कैची, जिसमें थोड़ी कड़वी भाषा हो,
मतलब हो सकता है कि कड़वा कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप किसी को गाली दे के निकल जाओ, देखेंगे नहीं जनता आपके। कड़वी थोड़ी सी भाषा आप लेके शुरुआत में और अंत में उस वीडियो को ख़त्म करो तो जनता सुनना चाहती है, मतलब सिस्टम के अगेंस्ट सुनना चाहती है या फिर ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट सुनना चाहती है। तो उसी तरीके से पंच से शुरू करो, पंच से ख़त्म करो तो वीडियो आपके चलेंगे। दूसरी बात, अब इस तरीके से होगी आपकी एडिटिंग। आप आर्ग्यूमेंट देंगे, आर्ग्यूमेंट के पक्ष में, आर्ग्यूमेंट के किस साइड में, आप अपनी अपनी साइड को मजबूत दिखाने के लिए उसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट देंगे और पंच के साथ में ख़त्म करेंगे। आजकल आप देखते होंगे जैसे ऐसे कई टीचर हैं जिनके वीडियो जो है बहुत वायरल होते हैं। लक्ष्मण यादव सर का खुद का वीडियो वायरल होते हैं, जैसे ओजा जी हैं, विकास देवी कीर्ति सर हैं, तो एक छोटी सी लाइन बोलते हैं वो लाइन चल जाती है। आप उन वैसे ही छोटी छोटी लाइनें सोचो, किताबें पढ़ो और इस तरीके से आप लिखो उन लाइनों को और अपने वीडियोस में यूज़ करो। जब इस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करोगे तो ये हुआ आपके वीडियो वीडियो नाम के गुलदस्ते में एक फूल। आपने प्रेजेंट कर दिया, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आपने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आती है एडिटिंग। यहाँ जो है खेल पूरा बदल जाता है। अगर आपके पास आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप रविश कुमार या फिर नवीन कुमार या फिर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो तो आपके वीडियो चल जाएंगे। अब जैसे मेरे जैसा कोई सिंपली गांव से आया है और उसने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, नोबडी गोना वॉच मी। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज नहीं है। रविश कुमार की वीडियो चलते हैं, हर वीडियो 1.5 मिलियन 2 मिलियन देखे जा रहे हैं, है ना। नवीन सर के वीडियो चल रहे हैं, लक्ष्मण सर के वीडियो चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी समाज में इमेज बन चुकी है। आपकी कोई इमेज है नहीं, आपको शुरू करना जीरो से। अब जीरो से शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्ट हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, अब आते हैं वीडियो एडिटिंग पर। मैं वीडियो एडिटिंग के वीडियो एडिटिंग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप वीडियो एडिटिंग में छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होती जो मैंने पिछले साल जब मैंने घर छोड़ा था उसके बाद बैठ के सीखी, क्योंकि एक तो मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ आती है, मतलब किस तरीके से चीज़ें करनी है, किस तरीके से लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना है वो मुझे पता है। और ये और मैंने स्किल भी ये इस तरीके से डेवलप कर लिया कि भाई मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसके पीछे हिट लगे, थोड़ा सा मैं अगर थोड़ी सी बात मजबूती के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ मैं ऐसा कोई वेपैक्स दे दिया, साउंड इफेक्ट दे दिया तो वो बात और मजबूती के साथ जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरे पास यही वीडियो है, इसी वीडियो की मैं एडिटिंग अभी जो देखा था आपने वही वीडियो देखिए कि किस तरीके से मैंने उस वीडियो को एडिट किया है, किस तरीके से मैंने उस वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें डालकर और उसे इफ़ेक्टिव बनाया। ये चीज़ बहुत सिंपल तरीके से कही जा सकती थी जो मैंने बोली है, लेकिन सिंपल तरीके से कहने के लिए और सिंपल तरीके से कह के उसे चलाने के लिए या तो फिर आपको रविश कुमार, सुमित सर या फिर लक्ष्मण यादव या फिर नवीन कुमार होना पड़ेगा। आप हो नहीं तो फिर आपको इस तरीके की चालाकियाँ करनी आनी चाहिए। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद आप इन्हें प्रैक्टिकल करके देखना। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो की शुरुआत में इसमें तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी सारी लेयर्स लगी है। तो जब आप इस तरीके का कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले तो ये सोच लें कि आपको वीडियो कम बनाने और शानदार बनाने, ज़्यादा वक्त लगेगा इनमें, लेकिन वीडियो इतनी शानदार बनने चाहिए। मेरा तो यही है सिंपल कि अगर मुझे कुछ एडिटिंग में चीज़ें नहीं आ रही तो चाहे 2 दिन लग जाए, मैं उस इफ़ेक्ट को पहले सीखूंगा फिर मेरे वीडियो में अप्लाई करूंगा। और ये काम करता है। आपका एक वीडियो अगर चल गया, जैसे 2-3 मिलियन अगर एक वीडियो आपका चल गया तो आपका चैनल रॉकेट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मेरे तो ये चीज़ें काम करती है, हो सकता है आपके लिए भी काम करे, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काम करेगी। तो ये जैसे वीडियो है मैंने शुरू किया यहाँ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के की जो ये कटआउट है मैंने एनिमेशन के साथ ऊपर लिया, ठीक है। एनिमेशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, इन सभी चीज़ों में से ये एक बार आप बेसिक चीज़ें देख लीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से, वो पता चल जाएगी। मैं वहाँ पर जो नहीं सिखाते वो सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब ये आई वीडियो, एक 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 वो है ग्लोरिया मार्क का है रिसर्च पेपर, उसमें उसने कहा है कि उसका टाइटल है कि वाई आर अटेंशन स्पैन्स आर रिड्यूसिंग और श्रिंकिंग, ऐसा कुछ उसका टाइटल है। तो उसमें वो कहती है कि आजकल लोगों का जब से सोशल मीडिया आया है तब से 10-12 सेकंड तक ही
अटेंशन स्पैन हो गया, वो मतलब बहुत कम समय तक एक चीज़ को देख पाते हैं। तो अब आप तो चाहते हो कि आपका वीडियो देखे पूरा का पूरा, एक मिनट का है तो एक मिनट का देख कर जाए, और अगर 10 मिनट का वीडियो आप बना रहे हो तो आपका 10 मिनट का वीडियो देख के जाए। तो आप अगर मोनोटोनस आपका वीडियो तो नहीं देखेगा, इसके लिए ये चालाकियाँ हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी आए, उनके पीछे मैंने ये लगा दिया बेवफा महबूब, व्यूअर देखा बेवफा महबूब भी पढ़ा, मुझे भी सुना, प्रधानमंत्री जी का कटआउट आते भी देखा, तो व्यूअर को लगा कि हाँ कुछ तो है। 10-12 सेकंड तक की बात जमी, 10-12 सेकंड जमने के बाद आपने कुछ जो मैंने शुरुआत में की थी आपकी जो पंच लाइन है, तब तक वो पीछे से किक कर चुकी है कि आपने एक बात कह दी है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई है कि हाँ आगे मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एडिटिंग और पंच लाइन से आप व्यूवर्स की अटेंशन ग्रैब करोगे। ठीक, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन मार्क आया, मैं आगे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैसे, तो इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क आया। आपको व्यूअर की अटेंशन अगर ग्रैब करके रखनी है तो इस तरीके के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप अपने वीडियो में यूज़ करें। देखो ये क्वेश्चन मार्क के साथ में साउंड भी आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे जो मैंने उस आर्ग्यूमेंट की बात की थी, अगर इस तरीके की चीज़ें आप इसमें शामिल नहीं करोगे, जैसे मैंने सीधा प्रधानमंत्री जी को बेवफा महबूब बोल के मैं निकल गया और इस वाले वीडियो को मैंने शामिल नहीं किया, तो बहुत अधिक संभावना है कि अगला वीडियो मेरा नहीं आएगा, मैं किसी जेल में उस हिसाब से फिर आप मेरे लिए आंदोलन करते ही मिलोगे मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। प्रधानमंत्री जी का मैंने वीडियो डाल दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है इसमें पीछे। बैकग्राउंड म्यूजिक से ये होता है कि आप जैसे आप कोई इमोशनल वीडियो कर रहे हैं, जैसे कहीं किसी हमारे दलित साथी को किसी ने ठोक पीट कर मार दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, तो उस वाले वीडियो में मैं इस तरीके का जो अग्रेसिव बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। उसमें थोड़ा जो सैड है वो मामला ना, वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इस तरीके से कि भाई बहुत मतलब सैड है, कोई बात सैड हो गई और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं उस हिसाब का म्यूज़िक यूज़ करूँगा। वहाँ वैसे म्यूज़िक हो गए, और जिस तरीके से बाबा साहेब से संबंधित कोई बात है तो प्लीजिंग आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। आप तो, मतलब दिमाग को थोड़ा जो सुकून दे उस तरीके की आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये अग्रेसिव है। अब जैसे ये देखो ये कटआउट आया पीएम केयर फंड के बारे में, तो आपको ये जो कटआउट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग से आप बना के रखें, ये आप बना सकते हैं, इसे फोटोशॉप से बना सकते हैं, अलग अलग फोटोशॉप की जैसी एप्लीकेशन आती है उनसे बना सकते हैं। इनको ना थोड़ा सुंदर सजा के काटने पीटने होते हैं, नहीं तो फिर ऐसे सिंपल आपके चलेंगे नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीज़ देखना चाहता है व्यूअर, उसे जितना बढ़िया दिखाओगे वो उतना आपके पास बार बार आके आपकी वीडियो देखेगा। ठीक है, आप ये चाहते हो कि अगर आपके वीडियो बार बार आकर देखे तो अब जैसे मैंने कितने बढ़िया तरीके से काट के रखा है, इसके कोने जो है एकदम वो नहीं है, शार्प नहीं है, है ना, थोड़ी सी उसमें वो है, हर एक चीज़ आपको इसमें मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मार्कर चल रहा है, देखो ये मार्कर चल रहा है, जो भी मैं बात बोलना चाह रहा हूँ उस वाली बात के साथ में जो हेडिंग्स है उस पर मार्कर चल रहा है। इस तरीके से आप अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बनाते हो। ठीक है, मार्कर वगैरह चलाने के लिए आपको ट्विटर सॉरी वो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हर एक इफेक्ट जो ये यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं, मैंने 2-2, 3-3 दिन लगा कर इनको सिखाया। आप भी एक बार, आपको एडिटिंग में टाइम देना है, एक बार आप सीख गए फिर आप 1 लाख रुपये के आदमी तो ऐसे ही बन गए। कई साथी है मेरे साथी जो ऐसे कहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर जगह पर इतने पैसे दे रहे हैं, तो एडिटिंग एक बार सीख लीजिए, ये इतनी शानदार स्किल है, आप जैसे चाहो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए कि मैनिपुलेट करना है लोगों को लेकिन जैसे चाहो मैनिपुलेट कर सकते हो। हमारे लोगों को इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हम तो खुद मैनिपुलेट होते हुए आए हैं ना, तो इस तरीके के That would be better word. हाँ, we can shape their mind as we want. फिर मैंने गलत बोल दिया, as we want. ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो जैसे ये हिंट की आवाज़ आई है ना, मैंने कुछ बोला यहाँ पर, दम की आवाज़ आई है पीछे से, तो मैंने यहाँ पर ये इसलिए बोला है ताकि मेरी बात में वजन लगे,
इसलिए मैंने ये बात बोली है, सॉरी ये ऐसे इफेक्ट साउंड इफेक्ट लगाया है। तो इस तरीके के आप जब आप स्क्रिप्ट लिखो तो उसी दौरान आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ये वाली बात थोड़ी मजबूती के साथ लोगों तक जानी चाहिए, और इसके लिए मैं जब मैं बोलूँगा तो इसके पीछे इस तरीके का मैं साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। ठीक, मैं कई साथी जो मुझे मुझे देख कर करने का प्रयास करते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि इस तरीके से करें, तो वो इस तरीके का सुमित भाई साउंड तो लगा देते हैं लेकिन वो रेंडम जगह लगा देते हैं, बोल कुछ रहा दम की आवाज़ कुछ कहीं और से आ रही है, तो इस तरीके से चलता नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कटआउट है, आप गूगल से कितने भी कटआउट उठा सकते हैं इस तरीके का कटआउट। जैसे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से संबंधित कोई कटआउट आ गया, उसके बाद जो मैंने बात रखी है उससे संबंधित कोई कटआउट आ रहा है, देखो ये कटआउट आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रोरल बॉन्ड जो है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है, और उस कटआउट को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एनिमेशन के साथ में यहाँ पर रखा है। व्यूवर्स की अटेंशन, मेरे दिमाग में हमेशा यही है कि मैं व्यूवर की अटेंशन जो है कैसे ग्रैब करके रखूँ, अभी भी वही चल रहा है। देखो इसमें ये आ रहा है आपका फिर से मार्कर इफेक्ट, और वो मेरी बात को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर मैंने कटआउट ये डाला है यहाँ पर, और इस तरीके से जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ उसको इस मार्कर इफेक्ट के साथ में मैंने ये बात बोली है। फिर वो जो नीचे साउंड इफेक्ट आ रहा है ये देखो यहाँ पर, अगर आप कर्सर को देख पा रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको कर्सर? हाँ, मतलब जो इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं उनके काम की चीज़ें हैं ये, बाकी रिपोर्टिंग वाले जो है उनकी नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मैं आपका वक्त लूँगा फिर उसके बाद ख़त्म करते इसे। फिर वो पीछे वाले आर्ग्यूमेंट के लिए जो मैंने कहा था कि एक लास्ट में मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था क्यों बोलकर, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने फिर कटआउट का यूज़ किया। तो इस तरीके से एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स आप जो है यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी जो जिस तरीके से मैं प्रोड्यूस करता हूँ वीडियो को, आजकल तो मेरे पास दो एडिटर है तो वो मेरी सपोर्ट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। पहले मैं खुद ही शुरुआत में, आप एडिटर वगैरह के चक्कर में मत पड़े, आप 5 दिन में एक वीडियो बनाएं बेहतरीन तरीके से बनाएं, जितना बेहतरीन हो सकता उतना बेहतरीन तरीके से बनाएं। ठीक है, शुरुआत में आपको मुश्किलें आएंगी लेकिन क्या कर सकते हैं, करोड़ों ऐसे यूट्यूब पर चैनल बने हैं, इंस्टाग्राम पर चैनल बने हैं जो लगातार वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ में डाल रहे हैं। तो आपको उनके सामने स्टैंड आउट होना है तो अच्छी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। जाते जाते एक वो है, किसी ने कहा है कि अगर मुश्किलें आएँ और आपके वीडियो ना चलें, एक बात याद रखें कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में शामिल, सभी है भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, अपने आप को बदलो, एडिटिंग स्किल्स पर काम करो और बढ़िया तरीके से लोगों को दिखाओ कि अंबेडकर राइट मूवमेंट से संबंधित जितने भी क्रिएटर है वो किसी से कम नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार फिर से सुमित सर का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।